नमस्कार मेरे सभी छात्रों, जैसा कि आपको बहुत समय से इंतजार था कि किसी भी शब्द रूप को हम लोग कैसे सरलता से याद करें, तो आज मैं बता रहा आपको सरलता से याद करने का सिर्फ एक माध्यम है, गीत के माध्यम से आप किसी भी शब्द रूपों को बहुत ही सरलता से याद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले एक सामान्य सा अर्थ बताया है कि किसको क्या कहते हैं। यहां देखिए, प्रथमा को ही हम लोग संस्कृत में सब्जेक्ट कहते हैं, द्वितीया को ही हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, तृतीया को बाई या वीर कहते हैं, चतुर्थी को फोर, पंचमी को फ्रॉम, षष्ठी को ऑफ, सो पोजिशंस, और सप्तमी को इन एंड ऑन। इस प्रकार से ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, अंग्रेजी में हम इस प्रकार की प्रीपोजिशंस को यूज करते हैं जो कि अंग्रेजी भाषा में दिखाई देते हैं परंतु संस्कृत भाषा में दिखाई नहीं देते। वो किन माध्यम से दिखाई देते हैं? अपने विसर्ग और अंत वाले वर्णों के आधार पे। तो चलिए इसको याद करने सबसे सरल तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। पहले ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के वर्ड्स बोलने हैं। ये तीनों शब्द बोलने के बाद में प्रथमा बोलेंगे। इस प्रकार से सभी क्रम को याद करने से बहुत ही सरलता से शब्द रूप हमें याद हो जाते हैं। चलिए एक बार प्रारंभ करते हैं और मेरे साथ आप लोग भी बोलिएगा, और क्या पता 10-5 बार अभ्यास करने के बाद आपको भी ये याद हो जाए। जैसे कि राम रामौ राम प्रथम, रामम रामौ रामान द्वितीय, रामेन रामाभ्याम रामय तृतीय, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, रामा रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, रामस्य रामयो रामानां षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी। तो इस प्रकार से आप राम की जगह फलम, लता, कोई भी शब्द रूप इस्तेमाल करके स्मरण कर सकते हैं। तो आशा है आप इस प्रकार से प्रयोगों को अपना सकते हैं और नए नए तरीके से शब्द कोई भी हो, संज्ञा हो या सर्वनाम, के अर्थों को समझकर स्मरण कर सकते हैं। धन्यवाद।